आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। मैं राजा राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, और मैं सुप्रीम कोर्ट में राम वंशज होने का हलफनामा दिया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इस पृथ्वी पर कोई भी राम के वंशज हैं या नहीं है, उस जानकारी के बाद मैंने 2 लाख सालों की वंशावली दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और अपने आज तक की वंशावली दिया कि मैं राम का वंशज हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने माना और मुकदमे को हमारे ही एक तरह से पक्ष में दे दिया और सबको बर्खास्त कर दिया। सभी व्यक्तियों का दावेदारी खत्म हो करके भगवान राम के नाम से उस जमीन को माना सुप्रीम कोर्ट ने कि राम जन्मस्थली है, और राम जन्मस्थली है तो इसलिए राम के वंशजों की वो आधिपत्य में है। मेरा कहना है कि हमारे राम वंशज क्षत्रियों के आधिपत्य बनता है उस पर। 18-20 करोड़ क्षत्रिय कुल के राम के वंशज हैं भारतवर्ष में, इसलिए हम जो भारत सरकार ट्रस्ट बनाने जा रही है उसमें क्षत्रिय कुल के लोगों को 50% की दावेदारी, 50% की भागीदारी देना चाहिए, और ये मुझको विश्वास है कि मैं इस मुहिम में लगा हूँ तो 50% की भागीदारी हम लेकर के ही छोड़ें, क्योंकि तो हमारे सबके वो आराध्य हैं और हमारे वो पूर्वज हैं, तो इसलिए हमारा अधिपत्य बनता है, क्षत्रियों का अधिपत्य बनता है, इसमें कोई किसी की जरूरी नहीं है। रही बात दूसरी, एक और मैं आपको जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो साधु संत हैं वो अब अपने ट्रस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, साधु संतों से भी, कि जिस लिए आपने इस अमूल्य जीवन को सन्यासी में तब्दील किया, तो आप आराध्य देव भगवान राम की आराधना करें और मोक्ष को प्राप्त करें। आपको ट्रस्ट से कुछ नहीं है, आपका काम है, आप ट्रस्ट में हिस्सेदारी मत मांगिए, ट्रस्ट क्षत्रिय कुल के लोग चला लेंगे। और ये भी मैं सरकार को बताने के लिए आया हूँ उत्तर प्रदेश की धरती में, कि उत्तर प्रदेश का मसला है कि किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर 50% की भागीदारी क्षत्रियों की नहीं हुई तो जैसे भगवान राम ने लंका में चढ़ाई किया था, तो हमको मजबूर मत करें, हम किसी भी तरह से उस जन्म स्थली में, क्योंकि हमारे पूर्वज की पवित्र जन्म स्थली है, हम दूसरे लोगों को घुसने नहीं देंगे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, जितने भी कुछ विडम्बनाओं के साथ, विडम्बनाओं के कारण, मजबूरी के कारण क्षत्रिय कुल के लोग पिछड़ गए, कुछ आतंकियों के दबाव में, आतंकियों के मजबूरी करा करके या दबाव डाल करके दूरी बना दिया, या कुछ चालाक लोगों ने हमारे से क्षत्रियों को कमज़ोर करने की चाल में क्षत्रियों से उनको अलग करके, किसी को कह दिया तुम सूर्यवंशी हो, किसी को कह दिया तुम नर्कवंशी हो, किसी को तुमने कह दिया खंगार हो, किसी को कह दिया भंडार हो, हम उन सबको क्षत्रिय में जोड़ूंगा, सभी राम के वंशज हैं। महाराजा त्रिलोचन अवध के भी राजा थे, उनका मैं वंशज हूँ, और उनका ये काम था कि सभी को क्षत्रिय कुल में उन्होंने जोड़ा, कोई कठबैसा बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, सबको क्षत्रिय बनाया। तो मैं भी अपना जब थोड़ा जीवन मेरा बचा हुआ है, इस जीवन में जितने बिछड़े हुए क्षत्रिय हैं, मैं सबको एक करके ही परलोक जाऊंगा। ये राम के अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर पर राम वंशज की 50% की भागीदारी हो,
क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? 500 साल बाद हमारे राजा रामचंद्र जी आजाद हुए, वो टेंट से निकल करके भव्य राम मंदिर में जाएंगे, राजमहल में जाएंगे, जिसकी भव्यता पूरे प्रदेश के क्षत्रिय वंश के जो है, जो पिछड़े हैं वो अपने क्षत्रिय वंश जो है अपने भाइयों को गले लगाएंगे, जो पिछड़े हुए क्षत्रिय हैं वो अपनी खून की धारा बहा करके राम मंदिर में अपना 50% का हिस्सा लेके रहेंगे। मैं राजा राजेंद्र सिंह जी की तहे दिल से कोटिश नमन वंदन करते हुए आश्वस्त करता हूँ, अर्पणशील समाज पूरे भारतवर्ष में जो करोड़ों करोड़ों है वो छत्तीस समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेगा, और आने वाले भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया जाता है कि राम मंदिर बनने पर, टेस्ट बनने पर हमारे राजा रामचंद्र के वंशज की 50% की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।